हालांकि वीडियो तेरी देखी हो रही है उसका मशीद दादो ने कोई पलट देंगे सरकार ने 2024 में ऐसे किया। अरे युवा युवा हम तो वो तो लड़के ने कह दिया था कि दांधली के सबूत मैं मौके पे ले रहा हूं, लेकिन इसको जो है पुलिस उठा के लेगी, पुलिस की जो है वैन में गेट करने इसने लेगी, पूछा कर लेगी थी, लेकिन इसको छोड़ कैसे दिया गया? दूसरा सवाल ये छोड़ कैसे दिया भाई? क्या तो इस लड़के के साथ ये हुआ है? कल ना आपका लड़का ले जाएगा नहीं भाई, और आगे और गांव के जुआन को नहीं गए, युवा को नहीं गए। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। तानाशाही सरकार से पीड़ित एक शख्स इस मकान के अंदर बैठा है। तानाशाही सरकार से पीड़ित कैसे हुआ? जैसे कि आपको पता है जन स्वाद प्रोग्राम चले खट्टर के, जो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी है, संवाद का मतलब होता है कि ऑडियंस से हम चर्चा करें क्या समस्या है, उसका समाधान क्या होगा। लेकिन इस लड़के ने दे दिए सबूत किस चीज के? बच्चे जो है अपने जिंदा माँ बाप को मृत दिखाने लग रहे हैं। मृत किस चीज में दिखाने लग रहे हैं? जो HSSC के पेपर होते हैं उसके लिए जो 5 जो नंबर होते हैं उनकी छूट होती है कि भाई जिनके माता या पिताजी है जो है मृत है, तो सारी जानकारी ले लेंगे। इस लड़के ने इतनी हिम्मत दिखाई कि भरी संवाद सभा के अंदर से जो है माइक लेकर खट्टर साहब के सामने जो है न्यू ला दिए, पर्चे सबूत ले रहा हूं। और खट्टर जी क्या किया, तानाशाही का परिचय दे दिया कि भाई उठवाओ इसको, उठवाओ, बीच से उठवा दिया। फिर दूसरा जो है एक परिचय और जो है गांव ने दे दिया कि चुकरदे जो है गांव के लोग बैठे, वो सारी जानकारी पूछ लेंगे। एक एक कारण है कि भाई सारे जो है गांव की एकता भी देखने मिली, किस प्रकार की एकता जो है ऐसा हुआ। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा कर्जा ले रहे हो, सीधे जमानू खट्टर की छाती में सींग मारो हो। इसी कोई बात नहीं है जी, गलत कराया है और आदत नहीं है कि घर क्या ने सिखाया को नहीं, गलत कराया तो गलत उठो। हाँ मतलब ना तो गलत सहन करना और ना किसी के साथ गलत करना। ना जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो चीज अच्छा। गलत करी है मैं अकेला को नहीं, मेरे तो भी पहले भाई जुड़ूंगा, भाई जो लड़न लग रहे थे। दूसरी बात की भाई लड़के ने कह दिया था कि दांधली के सबूत मैं मौके पे ले रहा हूँ, लेकिन इसको जो है पुलिस उठा के लेगी, पुलिस की जो है वैन में गेट करने इसने लेगी, पूछा कर लेगी थी, लेकिन इसको छोड़ कैसे दिया गया? दूसरा सवाल ये छोड़ कैसे दिया भाई? क्या आपके पास जो प्रमाण थे, जो प्रूफ थे, वे सत्य थे? बिल्कुल सत्य थे, तभी छोड़ दिया था, नहीं कौन छोड़ता। नहीं को नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, आपने ही पता है मेरे को लकी हो सके था। गुराना गांव की जो है लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो, गुराना गांव की जो 8 तारीख ने जो संवाद सभा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, वहां से इसको वैन में डाल करके कहां ले गए भाई? खेड़ी चोपटा जी पुलिस चौकी। अच्छा, और साथ में आपको निकलवाने के लिए कौन कौन पूछे, गांव के गवांड के कौन कौन गए भाई? गांव में एक धर्मवीर पार्षद जी है जी, उनने पूरा सहयोग दिया है और मैं उस आदमी का मेरे हिसाब में कर्ज उतार भी नहीं सकता पूरे जीवन में, इतना उनने सहयोग कराया जी। अच्छा, यहाँ से उठवाने के बाद पुलिस प्रशासन ने, सरकार के नुमाइंदों ने आपके साथ क्या सलूक किया? बहुत अच्छा सलूक किया जी। अरे वाह क्या बात है, तस्वीरें शेयर कर दो। भरी संवाद सभा के बीच में जो न्यू वाला देखे, मैं प्रूफ ले रहा हूँ, प्रूफ किसके? दांधली के, जिसमें किया सरकार दावा करती है बीजेपी सरकार के भाई, बिना पर्ची खर्ची के, बिना किसी जो है 2 नंबरी के बच्चे जो है एग्जाम पास करते हैं, लेकिन यो भाई सबूत लेके पहुंच गया। फिर न्यूगा प्रशासन ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, के बात भाई कि मैं गांठ सेंट करके आगे भी ना, 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 ना। पहले की वीडियो तेरी देखी हो रही है उसका मैं सीधा दोनों को पलट देंगे सरकार ने 2024 में ऐसे किया। अरे युवा युवा हम तो, वो तो भाई तेरे फ्लो लगते लाके तो मन की गड़बड़ कर कह रहे ना जी। ना बिल्कुल भी नहीं, कते भी नहीं, 1% भी झोल झाल नहीं है। अच्छा, जो साची है ताल ठोक के कहूंगा, जो साची है वो साची है, साची दे। बिल्कुल साची है, कुछ भी नहीं कहा जी। मैं आराम था पुलिस स्टेशन में, आराम था बिठा रखा था, क्योंकि मैं भी एक CET का दुखी अभ्यर्थी हूँ। बिल्कुल, उन्हें भी पता है, क्योंकि वो भी बेचारे तैयारी करके लग रहे हैं, तो वो एक स्टूडेंट का दुख समझे हैं। SP लग रहा है, कोई कुछ लग, कोई कुछ पोस्ट पे है, लेकिन वो भी पढ़ लिख के लग गए है ना, तो हमारा दुख बकायदा सूत्री डाल समझा है, और इसलिए जो मैं सूत्री डाल बिठा रखा था, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया उन्होंने मेरे तक, 1% भी बिल्कुल कष्ट नहीं दिया जी उन्होंने। ठीक है, आप जैसे पीड़ित, जैसे कि आपने ये आवाज उठाई क्योंकि आप खुद पीड़ित थे, जो बच्चे जो है जिनके माँ बाप जिंदा है उनको मृत घोषित करके 5-5 नंबर का लालच में जो आगे जाओ है, वे लोग जो है आपके समर्थन में आए? बिल्कुल, आवाज उठाई वो सारे के सारे समर्थन में जी। मैं अकेला नहीं हूँ, अपना पहले भी बताने लग रहा था कि मेरा गला जो है ना वो पूरे 3 लाख बालक है, थोड़े को नहीं, 3 लाख बालक बहुत हुए हैं। ठीक है, 3 लाख बालका की लड़ाई जो है हम लड़न लग रहे हैं, जो मैं अकेला नहीं हूँ, काफी सारे हैं। ठीक है, तो हमारी मांग सिर्फ इतनी
है कि सीईटी तो पहले भी भर्ती होया कर दी, अब सीईटी तो पांच पांच साल में भर्ती पूरी नहीं होने लग रही है, के सीईटी है, सीईटी एक बहुत बड़ा स्कैम शुरू हो रहा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उससे पहले भी दस दस लाख बालका पेपर लिया कर दे, तीस तीस चालीस चालीस हजार बालका पेपर लेने लग रहे हैं। अब यूं बताओ सीईटी क्वालिफाई करके 357,000 बालका पेपर ले सके थे, ना तो कोई कोर्ट केस होता, ना को सरकार के खिलाफ बोलता, ना कुछ और किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होना था, सारे के सारे युवा गल्ला लागर। लेकिन क्या करे इन्हें, इस पांच नंबर ने मारा जिसे युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी। पांच साल हो गए, ना को भर्ती होने लग रही है, ना कुछ और, सीईटी ने जमा नाश्ता दिया और दूसरा इस फैमिली आईडी ने नाश्ता दिया। फैमिली आईडी में इतने सारे लूप होल हो रहे हैं कि आप गिनावे तो कम हो जाओ, जिसकी कम तनख्वाह उसने ज्यादा दिखा रखी है, जिसकी ज्यादा उसकी कम दिखा रखी है, पार्षद की कम दिखाने लग रहे हैं, विधायक की कम दिखाने लग रहे हैं, बकायदा पता है सबने इस चीज का होने लग रहा है, लेकिन कोई बोलन नहीं लग रहा। ये यही तो बात है ना, कोई बोलन नहीं लग रहा। और चुटकियों में जो है समाधान हुए थे, पूरे हरियाणा की समस्या एकदम जो है खत्म कर दी कि भाई उसमें क्या बात थी। जन संवाद सभा में अगर कोई पूछता है, अरे बैठ जा, बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे, इस प्रकार की जो है चीजें आपने सुनने नहीं मिली। लेकिन जो चुटकिया में सारी समस्याओं का समाधान है। कितने टाइम रुके थे वो जी? लगभग डेढ़ घंटे। एक डेढ़ घंटे में जो है सारे हरियाणा की सारी समस्याओं का समाधान करके चले गए। उसमें देखने में क्या मिला, आप आपकी तो बोले गए, तू बैठ बैठ, माइक छीन माइक बैठ बैठ बैठ, ये चीज तो हमने देखने में मिली। लेकिन जो आवाज उठाओ थे उनको उठा के ले गए। लेकिन फिर जो है यू भाई इतना पीड़ित था, लेकिन ये भी नहीं बता भाई, अरे तू आज बैठा है, आज किसी दबाव में है, किसी भी प्रशासन का या सरकार का दबाव में तो नहीं, तो आज ये बात बोलने लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं भाई, 1% भी दबाव में नहीं। जो चीज सच्ची है मेरे पास सच्ची को वाली, जो चीज झूठ है मैं झूठ कह दूंगा, हिम्मत है इतनी भी। अच्छा जो तुम तो प्रूफ दिखाने लग रहा था उसके, मैं उनको पर कार्रवाई हुई के नहीं हुई? हुई तो क्या हुई? बिल्कुल हुई है, 5-6 सीएससी सेंटर वाले उठा लिए, FIR होगी उनके खिलाफ में, जिनने यो फर्जीवाड़ा कराया है। अच्छा, लेकिन कितने के खिलाफ में करोगे? मेन बात वह है ना, आपने 5-6 तो जिनके तो सबूत मैंने दे दिए जो थे, हर एक सीएससी सेंटर करता पाओगा, हो सके 100 अगर बंदे हैं, 100 मतलब 10 उसका ईमानदार, 15 उसका। लेकिन आज के टाइम में मैं नहीं मानता कि इस नंबर के ऊपर ईमानदारी उसका है। अच्छा जो संवाद यहाँ पे हुआ था गुरुवाणा के अंदर, क्या आप उससे संतुष्ट हो? जनता जितने साथी देखने लग रहे हैं, आप भी बता दे रही हो कमेंट में, क्या आप भी संतुष्ट हो गए? बिल्कुल भी नहीं जी, मेरे गांव में संवाद था, मैंने यूं लगा था कि मेरे गांव में अगर संवाद है तो हमारी जो कष्ट है वो कष्ट सुनने खातर आए, ना कि अपनी जो गुणगान करने खातर आए हैं। उनने अपना गुणगान कर लिया, हमारी भी तो सुन लो कुछ, और संवाद किस चीज खातर था? किसान आंदोलन का हिस्सा था भाई तू? बिल्कुल था नहीं, बिल्कुल था। किसान आंदोलन में जिन साथियों ने जो है हिस्सा लिया था, वे साथी के क्या कर दे, बीजेपी के किसी भी नुमाइंदे ने गांव में नहीं बढ़ने देंगे, बढ़ गए तो गोसे लागेंगे। बात सच्ची है या कड़वी लग रही है? आपने भी और जो सरकार के देखने लग रही है उनने भी, कि भाई किसी भी बीजेपी के नुमाइंदे ने बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जो है 24 के इलेक्शन पास में है और ये बढ़ने शुरू हो गए हैं, आज वही किसान बैठे हैं, तो भाई विरोध नहीं करे आप? आने तो पहला नाटना चाहिए था भाई, क्यों मारा काम और कौन तुम देता, हमने कौन बढ़ने दे? जिद मारे किसान शहीद हुए थे नी, उड़ लग गया करते आंसू का इसकी गोड़े, छाती में मुंह पर लग गया कर दे, के बात भाई भूल गए उन दिन? भूले नहीं जी, लेकिन एक उम्मीद हुआ है कि सरकार है सुधर गई होगी। उम्मीद पर दुनिया का है, मैं उम्मीद हुआ है कि हाँ सुन सके इब भी हमारी बात। अच्छा, हमने बात रखी, लेकिन हम जो हमारी गलतफहमी थी वह गलतफहमी ही रहेगी। अच्छा, वह उसमें कोई कुछ नहीं हुआ, मेरी गलतफहमी थी। लेकिन नई चीज भी समझनी चाहिए कि किसान भी अन्नदाता है, उसके बिना आप जीवन जीने की सोच भी नहीं सकते उसके बिना। तो इन्हें सोचना चाहिए कि अगर पीड़ित जो है व्यक्ति उनका जो समाधान है इन्हें करना चाहिए, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं। बिल्कुल, समाधान खतर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा भाई जी, 9 साल हो गए रहेगी जिनकी की सुनवाई फिलहाल करने लग रहे हैं, 9 साल में तो समस्या लगभग खत्म हो जानी चाहिए थी, समस्या बचनी ही नहीं चाहिए थी। इब तो जो ओ प्वाइंट आ रहा है कि भाई इलेक्शन पास में है कि भाई मन तो सारे प्रदेश का विकास करवा दिया, तो इब कौन सी समस्या रहेगी जो कि सुनवाई करने लग रहे हैं? लेकिन 9 साल, आप वो 9 साल का विकास बताइए कटसरी है। 9 साल का विकास मैं क्या बताऊं जी, देखो पहले 5 साल मैंने ठीक लगे इनके, पहले 5 साल इन्होंने बहुत सही काम करा है, ठीक है, फिर अगले 1 साल भी, उसके बाद में 1 साल भी बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन पीछे के जो 4 साल हैं उसमें युवा बेरोजगार थे, बेरोजगार हैं और बेरोजगारी मेरे हिसाब में रहोगे जिस हिसाब से सीईटी चल रहा है, क्योंकि कोर्ट केस चल रहे हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब में अगर मेरे पर्सनल व्यूज पूछो तो खिलाड़ी परेशान है, आपने दिखने लग रहा है वो धरने परेशान है, क्लर्क परेशान है,
बोलन नहीं लग रहे, लेकिन किसान परेशान है, युवा तो है ही है, 5-4 साल हो गए, कुछ भर्ती तो नहीं करवा रखी, बताओ हमारा कसूर के है नो तो बताओ, 4 साल हो गया आपनों, बताओ 4 साल हो गया काली करना ना, हमारा के कसूर है, आदमी पढ़े अभी तो कितना पढ़े, 4 साल लगातार पढ़ना छोटी बात नहीं होती, परेशान नहीं करूंगा। लेकिन आपने जितने साथी देखने लग रहे, आपने एक बात बताऊंगा, युवा लड़का है जिसने की भरे गांव के बीच में जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा देख भाई ले जो उठाओ इसको, युवा लड़का था भाई भरे गांव में, सवाल एक बारी, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं किसी गांव वाले के विरोध में नहीं बोल रहा, लेकिन एक बार गुराना गांव के जितने साथी देखने लग रहे, जिन तक यह वीडियो की पहुंचने लग रही, उन तक एक बार हाथ जोड़कर नहीं पूछूं, आप कमेंट में बता दियो, फोन करके बता दियो कि आपका बालक नहीं था यू, कि आपका बालक नहीं था कि यू, आप बोल देने उस टाइम पे, अगर आपका अगर हमारा बीच में जो है हमारा बालक है हमारा कर्जन कैड कर लेजे है, तो भाई फिर बाद में को नहीं बोलोगे के? एक बार जितने गांव वाले देखने लग रही, अगर मैं आज जोड़कर रिक्वेस्ट करूं, अगर आज तो इस लड़के के साथ ही हुआ है, कल ना आपका लड़का ले जाएंगे नहीं भाई, और आगे और गांव के जुआन को नहीं गए, युवा को नहीं गए, उन्हें ले जाएंगे तो आप उदिन भी नहीं चुप बैठे रहोगे, यू तारा कर्जा ले गए कैट के बीच में, तारी इज्जत का सवाल है, एक बार कमेंट में बता दियो, आखिरी बात यह है। चलो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सत्यमेव जयते, कैमरामैन रोहित दलाल के साथ मैं आपका अजय लोहारीवाला।